हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं एक डाइट न्यूट्रिशन वीडियो और ऐसा बताएंगे कि फेस्टिव सीजन जैसे चल रहा है तो आप क्या कुछ ऐसा खा सकते हो आपको मीठा भी लगे, हेल्दी भी हो और उसमें खूब सारा प्रोटीन भी, और आपकी न्यूट्रिशन या डाइट की जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन की पूरी तरह। कीप वॉचिंग द वीडियो, वील बी बैक। हे गाइस वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं प्रोटीन पैनकेक्स। पहले जो मैंने वीडियो किया था वो रॉ मटेरियल था, उसमें ओट्स लगते हैं, वे प्रोटीन लगता है, बनाना लगता है, हंग कर्ड लगती है, बहुत सारा सामान लगता है, बट ये आज हम बनाएंगे प्रोटीन पैनकेक विच इज फ्रॉम माय प्रोटीन। और इसमें आपको 50 ग्राम्स में, मतलब एक सर्विंग में, इसके अंदर स्कूप दिया हुआ है, ये स्कूप है, तो इसमें आपको 50 ग्राम आता है जो आता है, और 50 ग्राम में भाई साहब गजब, मतलब गदर मचा दिए, 34 ग्राम आपका प्रोटीन है। तो जो सर्विंग साइज है ये मैंने दो स्कूप ले लिया है, तो दो स्कूप मतलब ये 50 ग्राम है, और इसमें 34 ग्राम्स को मेरे को प्रोटीन मिल रहा है। मतलब भाई पूरा चिकन, हाफ एक चिकन ब्रेस्ट खाते हो उसमें भी इतना नहीं मिलता और उसमें उतना प्रोटीन मिल रहा है। तो उसको बनाने की विधि बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आप छड़े हैं तो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना सही में। प्रो टिप, अगर आप इसमें हल्का सा गर्म पानी डालेंगे, वार्म वाटर डालेंगे, तो ये बहुत अच्छे से घुल जाएगा। तो भाई मैं थोड़ा थोड़ा करके डालो, एकदम से डालो ना सारा, तो ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों रशियो, ये तो रशियो मिला, मुझे तो इतना आसानी रश बना देगा। ए ए रहने दे रहने दे रहने दे, नहीं तो मैं नहीं बनानी। क्वालिटी बोलो, क्वालिटी बोलो। गंजे बच्चे नहीं बनते। इसी से कर लो, लो इसी से कर लो, लो इसी से कर लो। गिराने देना बाउल को, इसको आप अच्छे से घुमाओ ऋषि। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा पैन गर्म करना है, और ध्यान रहे वो पैन नॉन स्टिक पैन है, क्योंकि नॉन स्टिक पैन होता है बहुत चिपकेगा। और इसको जैसे ही पैन आपका गर्म हो जाए, कंसिस्टेंसी देखिए ये रहेगी, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। या तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा एक बड़ा बना लेते हैं, एक ही बनाएंगे लेकिन बड़ा। मैं बनाऊंगा बस। तो इसको मैंने बिल्कुल वैसे नहीं किया, देख सकते हैं ऑलमोस्ट बन चुका है। करते करते सारे बनाना खा गए पापा के। ये डालने में कोई लोचा खा नहीं। दो मिनट रुको, पापा दे रहे हैं आपको। She was sitting here. She came from here to here. I know why she came. She wants to eat my pancake. And she finished all my bananas which I had to use for garnishing. Mama, you have to cut more banana. तो गाइस ये रेडी हो गया। इस पर हमने एक बनाना की लेयर चिपका दी है, इसके ऊपर दूसरा पैनकेक हम डालेंगे, ये आ गया। अब इसके ऊपर एक और बनाना की लेयर जाएगी और ब्लूबेरी जाएगी। क्या तेरे मुंह में, क्या तेरे मुंह में बनाना, हम बनाना गार्निशिंग कर रहे हैं, वहाँ से उठा उठा कर खाई जा रही है। अब तूने खाया बेटा रशु, देखते अब तूने खाया ना, देख रशु पापा का वीडियो बनाते बाद में खा देगी पूरा, ठीक है। बस बस हो गया। तो गाइस हमने इसके ऊपर डाल दिया है हनी। वैसे तो पैनकेक पे पड़ता है मेपल सिरप, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियन होम्स में आई नो मेपल सिरप मिलता नहीं है, हनी लेकिन सब जगह मिल जाएगा, तो आप हनी डाल सकते हैं। मुझे तो वैसे मेपल सिरप से ज़्यादा टेस्टी हनी लगता है। और ऊपर से छिड़क दें दालचीनी का पाउडर। ये आपका तैयार हो गया गाइस मील, बहुत ही सिंपल मील है ये। थर्टी फोर ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ये पूरा पूरा एक मील है आपका, आप इसको खा सकते हैं। ये स्वीट भी है, हेल्दी भी है, आपकी क्रेविंग को भी ये केटर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। इसको आप यार स्क्रैच से बनाना चाहते हैं तो स्क्रैच से बना लीजिए, अगर टाइम नहीं है रेडीमेड चाहिए जो सिंपल है और टाइम बहुत सेव होता है तो आप रेडीमेड बना लीजिए। ऑन दैट नोट बाय, टेक केयर, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जो हमारी वर्कआउट सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। वर्कआउट वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है स्क्वाट का, आज रात एडिटिंग करूँगा हो जाएगा, कल मैं उसको डाल दूंगा। बाय। क्या कह रहे हो? टीवी बाय।